लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी हमारी कम्युनिटी है इस पर प्रोटेस्ट कर रही है, इस पर जो है काफ़ी शोर शराबा हुआ, पूरे जम्मू रीजन के अंदर हुआ, श्रीनगर के अंदर हुआ, चनाब वैली के अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा इस पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन अभी तक जो है जो इंसाफ़ उस बच्ची को मिलना चाहिए था, जिस पटरी पे इस केस को जाना चाहिए था, वो नहीं जाता हुआ लगता है। क्योंकि इसके अंदर हमको लगता है कि बहुत से लोग जो है अपनी सियासी रोटियाँ सेक रहे हैं और इस के केस के साथ जोड़ के लोग जो हैं अपनी ज़ात को देख रहे हैं, मज़हब को इसके साथ जोड़ रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एक बच्ची किसी की भी हो सकती है, बच्ची उसका मज़हब तो कोई ना ही इस्लाम था ना ही कोई हिंदू मज़हब था, बच्ची तो सब की बराबर है। लेकिन हम काफ़ी परेशान हैं और हमें दुख है कि जो लोग बड़े बड़े इक्तदार में बैठे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, आज वही लोग, अगर वो खुद नहीं, वो उनके पर्दे के पीछे से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रायल को जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, केस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, वकला को जो इस किस्म के जो है उन्होंने डायरेक्शनें की हुई हैं कि उन्होंने जो है उस बच्ची का चालान पेश करने के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। हम तो खास करके पूरा मुल्क के सेकुलर लोग, पूरे मुल्क के अच्छे लोग और ख़ास करके गुजर कम्युनिटी बड़ी परेशान हुई जिस वक्त क्राइम ब्रांच ने अपनी जो है चालान पेश करने की कोशिश की। कठुआ के बार एसोसिएशन ने जो है हिंदुस्तान का झंडा लहरा के, हिंदुस्तान के नारे मार के जो है उस शर्मनाक काम को जो है वह अंजाम दिया। इससे पूरा मुल्क ही नहीं, हम सब लोग परेशान हैं और हम सब चाहते हैं कि अगर क्राइम ब्रांच ने अच्छी इंक्वायरी की है, सारे सबूत जोड़े हैं और सांझी वो जो उसका जिस जो केस में है मेन जो मुलजिम है वो मानते भी हैं कि हमसे ये गलतियां हुई हैं, हमें समझ नहीं आती है कि ये अब केस जो है अदालत में चलना चाहिए, इसका चालान जब पेश हो गया है अब उसकी डिमांड करना कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। वो लोग जो उन लोगों के साथ हिंदू यक्ता मंच के साथ खड़े हुए, तकरीरें की, वहाँ की हमारी पॉपुलेशन को डराने की कोशिश की, जब उनको निकाल दिया गया और आज जाके वो पब्लिक डोमेन में ये बातें कहना चाहते हैं, कह रहे हैं उन पे कोई एक्शन नहीं, हाँ जी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जब पूरी सरकार देख रही है, गवर्नमेंट मशीनरी है, आपकी ही एजेंसी क्राइम ब्रांच भी है, तो फिर क्यों नहीं मान लेते ही इस बात को कि उसकी इंक्वायरी सही हुई है। हमें इस पर बहुत ही दुख है और हमारे सारे जो पॉपुलेशन है गुजर बकरवाल, वो चाहते हैं कि क्राइम ब्रांच ने जो इंक्वायरी की है वो ठीक है, वो पटरी पे जा रही है, वो सीधी दिशा में जा रही है और उसी को आगे बढ़ाना चाहिए और के उसको इंसाफ मिलना चाहिए बच्ची को। सिर्फ वही नहीं, रसाना के लोग नहीं, बार एसोसिएशन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लंबा केस हो और इसको डिस्टर्ब किया जाए ताकि उससे उनकी सियासत चमकेगी और उस ब्याह पे उनको वोट मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक बात है, हम चाहते हैं कि वो बिल सियासत के लिए बोरे, उनको जो है को इंसाफ देने की कोई बात नहीं है। अगर वो मुखलिस होते तो पूरा मुल्क, जैसे पूरे मुल्क के सेकुलर मीडिया और सेकुलर लोग और पूरी दुनिया के अच्छे लोग जो हैं के केस के साथ खड़े हुए, उनको भी खड़े हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो खड़े हो जाएं तो उनकी कुर्सी खतरे में चली जाए, ये मुसीबत है कि वो इस केस के साथ खड़े नहीं हो सकते। ऐसा कुछ नहीं है मैम, गुजर बकरवाल कम्युनिटी ऐसी है जिनकी जिंदगी जंगलों से मुंसलिक है और उनका सारा रहन सहन जंगलों के साथ है और जो प्यार गुजर बकरवाल जंगलात को देते हैं, इस लैंड को देते हैं, हमारा मानना है कि दूसरा कोई नहीं देता है। लेकिन वहाँ मुसीबत एक है कि वहाँ हमारी पॉपुलेशन जो है 2% है, 0% है या कहीं आधी परसेंट है और उनको इसलिए यह हमारा ये मानना है डरा धमका के जिस बेस पे भी भारतीय जनता पार्टी आई थी, हम जम्मू का नायब वज़ीर आला बनाएंगे, दफ़ा 370 को हटाएंगे, उनकी मुसीबत है अगर उन्होंने दफ़ा 370 को कुछ नहीं कर पाए, वो जम्मू के अंदर जो है जो उनकी अपने मकसद से जिन बातों को लेकर वो आए थे वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये आज़ाद हिंदुस्तान है, ये जमहूरियत अच्छी है, यहाँ का आइन अच्छा है, लेकिन उस लिए आज वो जो है लैंड को गुजरू से जोड़ देंगे, बकरवाल के साथ जोड़ देंगे, ताकि अपनी पब्लिक को अगली बार जो आने वाला इलेक्शन है उसमें ये साबित कर पाएँ कि अगली बार जब तुम वोट देंगे हम ये सारी ज़मीन वापस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस वक्त उस बच्ची का वहाँ मर्डर हुआ, उसका जनाजा था, उसका चौथा था, जिस वक्त उसकी कब्र खोदने की कोशिश की गई, जिस जगह की बच्ची रहने वाली है, जिस खेत में उसके बाप का मकान है जिसमें वो रहती थी, जब उसमें वहाँ उसकी कब्र बनाने की कोशिश की गई तो वहाँ के लोगों ने उसकी कब्र वहाँ नहीं बनाने दी। जब उन्होंने पूछा कि भाई ये हमारी ज़मीन है, हमने आपसे खरीद के ली है, उनका ये मानना है, उनका ये कहा, हमारी पब्लिक को कहा
कि भाई ये ज़मीन जो है हमने आपको कब्रिस्तान और जो है मस्जिद बनाने के लिए नहीं दी है, हमने जो है आपको ऐसे रहने के लिए दी है। और उससे जो है 4 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पे उस बच्ची का दफन हुआ। इससे लगता नहीं है कि वो लोग उनको वहाँ बसने नहीं दे, क्यों कि अगर वहाँ मकान बनाएंगे, अगर तामीर होगी, जब गुजरू की परेशानी होगी गुजर भाग जाएंगे, तो मकान तो उनके काम का है, कब्र काम की नहीं है, मस्जिद काम की नहीं है। हमारा ये मानना है कि उन एरिए को जो है टारगेट किया जा रहा है, कम पॉपुलेशन की बुनियाद पे उनको हरासा किया जाए ताकि यहाँ से वो निकल जाएं और भारतीय जनता पार्टी को जो है 2020 के अंदर जो है ये बात करने का मौका मिले कि जो आपने वोट दिया हमने हक अदा किया, अगली बार दो और काम करेंगे, हमारा ये मानना है। ऐसा है जब पीडीपी और बीजेपी सरकार से पहले, सरकार बनने से पहले अपने अपना जो इनका मंशूर था, इनका मंशूर यही था कि बीजेपी का मंशूर था हिंदू मजबूत करना और पीडीपी का ये मंशूर था कि मुस्लिम को मजबूत करना। और इन्होंने नारा मारा था कि जब पीडीपी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी से अगर बचना है तो पीडीपी को वोट दे दो। और इन्होंने कहा कि अगर पीडीपी से कश्मीर के लोगों से बचना है तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। लेकिन जब ये लोग मिल गए, ऐसा इन्होंने इकार किया जो नामुमकिन था, जब ये मिल गए तो लोगों के जहनों के अंदर एक बात गई कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ये लोग तो हमको डरा के, हमको धमका के, हमें इस्तेमाल करके हमसे वोट लिए, जीत के, और इसका जो है इन्होंने आपस में सरकार बनाई। लेकिन इनका खुद का अपना भी जोड़ जो है सिर्फ कुर्सी का जोड़ है, इक्तदार का जोड़ है, दिल का जोड़ नहीं है। और तब से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर को देखो, पूरा कश्मीर परेशान है, पूरे कश्मीर के हालात जो हैं पटरी पे नहीं है। आज कश्मीर के अंदर वो जो मिलिटेंसी जो 10, 8, 9 और 11, 12 तक मिलिटेंसी बिल्कुल जीरो पे पहुंच चुकी थी, आज दोबारा से कश्मीरी मिलिटेंट क्यों बनने जा रहा है? आज वो जो है मुल्क के खिलाफ क्यों जो है गन उठा रहा है? क्यों? कश्मीर की सरकार की वो पॉलिसी नहीं है जो पॉलिसी आज़ाद साहब ने दी थी, जो पॉलिसी हमारी UPA 2 ने दी, UPA 1 ने दी, वो पॉलिसियाँ ख़त्म होगी। क्योंकि कश्मीरी जिस तरीके से दुबा के, जिस तरीके से डरा के जो है किसी चीज़ को ख़त्म करने की बात की जा रही है, डर के कोई बात नहीं मानता है। उनको समझाना था, उनको तालीम की तरफ, उनको रोज़गार की तरफ लाना था, तब तो ये जो है ख़त्म हो जाता। ये हमारा ये सब लोगों का मानना है कि जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक ये हालात रहेगी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लोग परेशान रहेंगे। और जितनी देर तक ये सरकार बनी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है परेशान रहेंगे, क्योंकि लोगों को रोज़गार नहीं है, लोगों को कोई मसला नहीं है, परेशान है। रोज़गार होगा, तालीम होगी, रोज़गार मिलेंगे तो लोग अमन से अपना काम करेंगे। जब आप रोज़गार नहीं देंगे, जब आप उनको अमन नहीं देंगे, तो परेशानी तो बढ़ेगी ना। ऐसा है कि बिल्कुल ये सही है कि अगर एजिटेशन टाउन एरिया के अंदर होता है, गुज्जर तो पहाड़ के अंदर रहता है, ना वो पत्थर मारता है, ना किसी एजेंसी के साथ जाता है, उसको तो अपने माल का काम होता है। लेकिन पिछले दिनों में आपने नहीं देखा, जम्मू के अंदर अंकुर शर्मा जो है बार एसोसिएशन का वकील है, वो कहता है गुजरों के दूध लेना बंद करो, इनके साथ सोशल बाइकॉट करो। अबे बताओ, जब इस हमारे माशरे में जिस गुज्जर के दूध से पूरा जम्मू चलता है, अगर वो उसका दूध बंद कर देगा, उसको घास देना बंद कर देगा, उसको जो है पत्ते काटने बंद कर देंगे, तो इससे नहीं लगता है कि गुज्जर डर रहा है, गुज्जर परेशान हो रहा है? वो बदला किसका लिया जा रहा है? जो पत्थर कश्मीर में पड़ता है तो गुज्जर का दूध जम्मू में बंद करके उससे बदला लिया जा रहा है। अगर हालात कश्मीर में ख़राब हैं तो गुज्जर को मार के, बकरवाल को मार के, उसके पत्ते रोक के, उसके जो है माल मवेशी को जो है भूखा नंगा रख के उसको रोका जा रहा है, तो इससे लगता नहीं है कि ये खुद लोग हालात को ख़राब कर रहे हैं? सबसे बड़ा मामला हमारा है जब हमारा गुज्जर अपनी जगहों से रिमूव कर जाता है, एक तो उसको राशन की सबसे बड़ी परेशानी रहती है कि जो गवर्नमेंट हमको BPL APL वगैरह अंत्योदय राशन देती है, 6 महीने के लिए जो है वो पहाड़ों पे चले जाते हैं, उनको राशन नहीं मिलती है। हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से जो है वहाँ अपने डेरे, जहाँ जहाँ उनके डेरे बसते होंगे वहाँ पे उनको राशन देनी चाहिए। और हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पहले मोबाइल स्कूल की एक पॉलिसी हुआ करती थी, जो मौजूदा सरकार ने बिल्कुल कमज़ोर कर ली है, कि पहाड़ों के अंदर जहाँ जहाँ गुजर रहते हैं वहाँ उनके बच्चों की तालीम का नज़म नहीं है, वहाँ स्कूल खोले जाएँ और परमानेंट टीचर वहाँ पर लगाए जाएँ, ताकि 6 महीने वो नीचे गुजरों के साथ आएँ और 6 महीने ऊपर जाएँ। लेकिन यहाँ लगाए जाते हैं सीजनल बच्चे, लगाए जाते हैं, 6 महीने के बाद उनके जो है वो स्कूल बंद हो जाते हैं। एक तो हमारी ये डिमांड है कि उनको परमानेंट किया जाए। और जिन जगहों में जो है हमारे गुज्जर लोग रहते हैं, कम से कम उन वहाँ लाइट नहीं होती है, अगर लाइट नहीं है तो वहाँ सोलर सिस्टम दिया जाए, ताकि 6 महीने के लिए जब गुज्जर ऊपर जाता है तो साथ में उसको सोलर का नज़म, बच्चे पढ़ेंगे। तीसरा हमारा सबसे बड़ी डिमांड ये है
कि गुज्जर का मसला, गुज्जर बकरवाल का मसला जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें दी गई हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जब आपको मिलेगा, स्कूल साथ में मिलेगा, हेल्थ साथ में मिलेगा, रोडें साथ में मिलेगी। और अब हम सबकी डिमांड है, पूरे गुज्जर बकरवाल की, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर की डिमांड है, पूरे मुल्क के साथ हमारी भी ये डिमांड है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है फॉरेस्ट राइट लागू किया जाए।